फंसाता हूं। मेरे नबी ने फरमाया चार बातें ले लो और दुनिया भी तुम्हारी आखिर, सारी PIA जिंदा हो जाएगी, सॉरी इकोनॉमी जिंदा हो जाएगी, सारी मईशत जिंदा हो जाएगी, पांच भी नहीं, एक उंगली भी आपने नीचे कर दी, कहिए बस इतनी इतनी ले लो। हिफ्ज़ अमानतिन, सिद्क़ हदीसिन, हुस्न खलीकतिन, इफ़्फ़तुन फी तुहमत। क्या खूबसूरत, सारी जिंदगी किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी, दयानतदारी। मेरे मुल्क के इदारे क्यों डूब गए? दयानत निकल गए, खोट आ गई, धोखा आ गया। मेरे नबी ने कहा हिफ्ज़ अमानतिन, कभी अमानत में खयानत ना करना, सिद्क हदीसिन, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। मेरे नबी की दो सिफ्तें हाईलाइट हुई, सादिक और बोलो क्या हैं? कोई और भी तो हो सकती थी, जिन चीज जिससे मशहूर किया, काबा कौसैन भी तो है और अदना भी तो है, वल्लैल भी तो है स्याह जुल्फों वाला, वद्दुहा भी तो है रोशन चेहरे वाला, किससे मशहूर किया? सादिक अमीन। अगर आप मुझसे सवाल करो, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, कि मौलाना साहब सारे दीन को दो लफ्जों में बताओ, सारी शरीयत को, तो मेरे पास दो लफ्ज हैं, सच्चाई और अमानतदारी। आप मुझसे सवाल करो मौलाना साहब सारी दुनिया के कुफर को बताओ, तो मेरे पास दो लफ्ज हैं, झूठ और धोखेबाजी, झूठ और खयानत। पूरी दुनिया का कुफर इनके अंदर छुपा हुआ है, सच्चाई और दयानतदारी, पूरी दुनिया का इस्लाम इसके अंदर छुपा हुआ है। दयानत और सच्चाई ये बीज की तरह है और पूरा इस्लाम फिर बाग बन के फलता फूलता है। झूठ और धोखा ये भी बीज की तरह है, फिर इससे कुफर का जंगल कांटों भरा जन्म लेता है। मेरे मुआशरे से झूठ निकल जाए, धोखा निकल जाए, ये पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। और ये हुकूमत के बस का नहीं है कि वो सबको सच बुलवाए, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, मैंने और आपने इसको शुरू करना है। जरीर ने, जरीर बिन अब्दुल्ला, ये यमन के शहजादे थे, हज आखिरी हज पे मुसलमान हुए, अपने नौकर से फरमाया घोड़ा खरीद के ला, मैं पैसे यहां पेमेंट करूंगा। वो मंडी में गया, 300 रुपए का घोड़ा लेकर आया। जब उन्होंने घोड़े को देखा तो वो कीमती था, मालिक को पता नहीं था, और ये घोड़ों की नस्ल के पहचानने वाले, उससे कहने लगे तेरे घोड़े के 400 कर दूं? कर दूं? बड़ा हैरान होकर देखने लगा, भैया कि आप तो, मैंने मुझे चीज खरीदनी है तो मैं घटाता हूं, और अजमल ने बेचनी है तो ये उसकी कीमत बढ़ाता है, और यहां खरीदार कह रहा है 400 कर दूं? वो कहने लगे कर दूं। 500 कर दूं? कहने लगा कर दो। 600 कर दूं? वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगा, भाई ये चक्कर की है। 700 कर दूं? 800 कर दूं? वो कहने लगा हुजूर तुसी लेना तो लवो, पर मेरा मजाक था ना, तुसी उठाओ, कभी लेने वाले भी पैसे बताए, तुसी मैंने 300 दे, मैं जावा। कहने लगे इसको 800 दे दो और घोड़ा बांध दो। वो हैरान, खुशी से छलांगे मारता हुआ गया। तो जब वो चला गया तो नौकर ने पूछा, मैं जब 300 में सौदा करके आया था तो 500 किस खुशी में बढ़ाए? फरमाया मेरे भाई उसके घोड़े की कीमत 800 थी, 300 नहीं थी, और मैंने नबी के हाथों में हाथ दे के ये वादा किया था जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं दूंगा, सबकी खैर ख्वाहिश। तो भाइयों मेरे इदारों में किस टैलेंट की कमी नहीं, सलाहियतों की कमी नहीं, दयानत की कमी है, कुव्वत अमल की कमी नहीं, सच्चाई की कमी है। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम गवर्नर गुजरा है, उसके खिलाफ बगावत हुई, वो नाकाम हो गई,
تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے. وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے. ابن خراش ان کا نام تھا. ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا. حجاج کو پتہ چل گیا سی آئی ڈی سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا. اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا. باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے. تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہی تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ انہوں نے کہا. پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو دو باتیں حدیث پاک تھی، صدق حدیث حفظ امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفعوں میں آ جائیں گے، نفعوں میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے. اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں. ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے. اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے.